एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ का दावा है कि गाजा में छापेमारी के दौरान उन्हें 35 नई सुरंगें मिली है। जानकारी के मुताबिक इसराइल की सेना ने हमास के बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान आईडीएफ ने इस बात का दावा किया कि उसे 35 नई सुरंगों के साथ एक हथियार डिपो का पता चला, जहां उन्हें बड़ी संख्या में हथियार मिले। आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड समेत कई हथियार वहां से बरामद किए। हालांकि आईडीएफ पहले भी आरोप लगा चुका है कि गाजा में हमास रिहायशी इलाकों में बनी इमारतों को हथियार डिपो के तौर पर छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और यही दावा उसने छापेमारी के दौरान एक बार फिर से किया। इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र और WHO पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। आईडीएफ यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में मरीजों को रोककर रखने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने निभाई। जबकि इसराइल की ओर से अल शिफा अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया था, लेकिन इजरायली सेना का आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों ने अस्पताल खाली न कराने की जिद ठान ली थी। इसके बाद इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल को घेरकर उसके भीतर घुसी और एक घंटे में अस्पताल खाली करने का फरमान सुना दिया। Requested for several weeks now that the hospital be evacuated, and unfortunately the different organizations did not deem it possible. IDF ने दावा किया कि अस्पताल को अपने कब्जे में लेने के साथ ही वो मरीजों के लिए 6000 लीटर पानी, भोजन और दवाइयां मुहैया कराए। उधर गाजा के शिफा अस्पताल में इजरायल की सेना का तलाशी अभियान लगातार जारी है। IDF ने इस बात का दावा कर दिया कि अस्पताल परिसर में एक हमास की एक सुरंग मिली है, जिसका वीडियो भी इसराइल की सेना ने जारी किया। इसराइल की सेना का दावा है कि सुरंग 55 मीटर लंबी और करीब 10 मीटर चौड़ी है। इस सुरंग का इस्तेमाल हमास अपनी आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए करता था। सुरंग के अंदर एक सीढ़ी, एक ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा और एक फायरिंग होल है, जिसका इस्तेमाल इसराइल की सेना को रोकने के लिए किया जा सकता है। इसी सुरंग के पास पिछले हफ्ते हथियारों से भरी एक गाड़ी जब्त की गई थी। फिलहाल इसराइली सेना सुरंग के रास्ते का पता लगाने में जुट गई है।